कभी लाइफ में कोई महापुरुष मिल जाए, कोई रसिक मिल जाए और उसके साथ बैठकर आपको साधना करने का अवसर मिल जाए, एक क्षण को, दो क्षण को, एक घंटे को, दो घंटे को, यद्यपि ऐसा अवसर मिलना अनंत जन्मों के पुण्य से भी असंभव है। साधनौघैर अनालभ्यैर, अनंत साधनाओं से भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। कोई तप करके, कोई जप करके, कोई तीर्थ करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं है। वो कुछ भगवत कृपा, गुरु कृपा आदि सब इकट्ठा होती है तब ऐसा अवसर मिलता है। तो ऐसा अवसर अगर कभी मिले तो आप लोग एक लूट से न चूकी। वो कौन सी लूट है? जैसे वो संकीर्तन में कुछ भी बोलता है, पद बोलता है, भगवान नाम बोलता है, तो उसकी आवाज को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि आप न भी बोलिए तो भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं उसकी आवाज सुनकर, समाधिस्थ हो सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जब वो महापुरुष बोल रहा हो तो बहुत ध्यान से प्रत्येक क्षण समाहित चित्त होकर के उसकी आवाज को सुनिए। उसकी आवाज में अलौकिकता होती है। जितना ध्यान से आप सुनेंगे उतना ही आप शीघ्र अंतःकरण में प्रेम का अंकुर उत्पन्न कर सकेंगे। इसलिए जरा भी लापरवाही न करके उनके प्रत्येक क्षण की प्रत्येक आवाज को ध्यान से सुनकर फिर उसके बाद बोली तो आपके हृदय में वो आवाज जाकर टच करेगी। जब आपके अंतःकरण में महापुरुष की आवाज छू जाएगी तो फिर आपके हृदय में एक विलक्षण सी गुदगुदी और विलक्षण सा दर्द और अजीब आनंद जिसे आपने कभी नहीं पाया उसका अनुभव होगा। इसलिए इस लाभ को भी सदा मस्तिष्क में रखें। गुरु का प्यार बड़ा मीठा लगता है। फटकार जब तुमने गलती किया, गुरु ने डांटा, उस पर बलिहार जाओ कि कितनी ममता है उनकी, कितना उनको ध्यान है हमारा कि हमारी गलती रहने न पावे। हमारी इस गलती को सोचा उन्होंने, पकड़ा, फिर बताया। अरे मैं कितना भाग्यशाली हूं। इसके बजाय अगर हमने ये सोचा सबके बीच में क्यों डांटा, अकेले में चप्पल मार लेते। अरे आप सब लोग ऐसे ही हैं। कभी कभी नॉर्मल कहते हैं तो बात समझ में आती है आप लोगों की, हाँ ठीक है, लेकिन वैसे भूल जाते हैं तो फिर वैसे हो जाते हैं। तो लापरवाही छोड़ो, जुट जाओ कल से। हाँ, श्री कृष्ण का एक फोटो ले लो और फोटो से ध्यान बना करके मन से और रोक के पुकारो कि हमको दिव्य दर्शन दो, दिव्य प्रेम दो। हर समय प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़े दिन मेहनत अधिक पड़ेगी, उसके बाद अच्छा लगेगा। नहीं तो अब 4 दिन की जिंदगी बाकी है, ऐसे खत्म हो जाएगी। हाँ, फिर क्या मिला? मरने के बाद क्या दिखाओगे भगवान को? अपना मुंह सोचो। भगवान से मिले बिना रहा न जाए, बस भगवान मिल जाएंगे। रहा न जाए, इतनी तड़पन हो जाए, आज मिलना चाहिए। इस विश्वास से बैठ जाओ सवेरे, आज हमको मिलना है, बस मिल जाएंगे। दुख दुख ना हो अंदर। Ooh, 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 ooh.
मनुष्य क्या नहीं कर सकता। कृतमयोयम पुरुषः, जिसके लिए वेद का चैलेंज है कि मनुष्य में एक बहुत बड़ी शक्ति है, संकल्प शक्ति। जिस प्रकार का संकल्प मनुष्य कर ले वही बन जाए। केवल संकल्प दृढ़ करना और संकल्प का बार बार रिवीजन करना। छोटी छोटी बातों में आप लोग हार मान लेते हैं, मेरा तो मूड ऑफ हो गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि नामापराध का अंबार लगा देते हैं आप लोग। बड़ी बड़ी भगवत कृपा प्राप्त करने के बाद भी महापुरुष का एक दर्शन आपको मिल जाए कभी, बस इससे बड़ी चीज और कुछ मिलने की नहीं है विश्व में। भगवत दर्शन कुछ नहीं है इसके आगे, बशर्ते कि मूल्य समझो, मूल। और उसका सत्संग भी मिल जाए, उसका स्पर्श भी मिल जाए, एक बार भी मिल जाए, तुमको तो खुशी में पागल हो जाना चाहिए। और छोटी छोटी बात को लेकर तुम फील करके मूड ऑफ करो और उस महापुरुष या भगवान के विपरीत सोचो, यानी उसमें गलती है, इनडायरेक्ट में ये तुम कहना चाहते हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, कोई हो सकता है इसके आगे? इतना बड़ा सौभाग्य टॉप का पाया और इतना बड़ा दुर्भाग्य कमाया, केवल मूल्यांकन नहीं किया। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दो शब्द है गुरु में, शास्त्र वेद का ज्ञान भी उसको हो करा सके और भगवान से मिला सके जब हम पात्र बना ले तो, प्रैक्टिकल मैन भी हो। ऐसा गुरु का जो काम है वो माया को निकाल सकता है, उसके ऋण से कोई ऋण न हुआ न होगा। हमारे पास कुछ है ही नहीं गुरु को देने के लिए, क्या देंगे? तन मन धन, ये सब गंदी चीजें हैं, माइक है। उसने तो तुमको दिव्य वस्तु दी, दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य भगवान से मिला के दिव्य आनंद दिया, उसका मूल्य तुम क्या दोगे? सदा ऋणी रहता है वो, ठीक है।